इट्स ऑलमोस्ट 2024 एंड हर कोई यहाँ के यूट्यूबर बनना चाहता है, लेकिन उनमें से सिर्फ 0.1% ही है जो एक्चुअली में सक्सेसफुल हो पाता है। तो आज के इस वीडियो में मेरे साथ साथ रीग्रो एंड क्लोज टू AI हम तीनों मिलकर तीन ऐसे चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे जो तुम्हें एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने से पहले पता होना चाहिए। अब हो सकता है इनमें से काफी सारी बातें तुम्हें पहले से ही पता हो, बट स्टिल तुम इन सभी बातों को इग्नोर कर देते हो। तो फाइनली फिर से मुलाकात हो ही गई हमारी। हेलो, दिस इज नीतीश फ्रॉम रीग्रो। तो देखो, अगर तुम यूट्यूब स्टार्ट करना चाहते हो या फिर तुमने स्टार्ट कर भी दिया है तो तुम्हें एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि यूट्यूब एक स्प्रिंट नहीं बल्कि एक मैराथन है। ऐसा नहीं है कि तुमने आज चैनल स्टार्ट किया एंड कल तुम्हारे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे, ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं होने वाला। सबसे पहले तो तुम अपने कंटेंट पे फोकस करो, क्योंकि कंटेंट इज द किंग। अगर तुम्हारा कंटेंट सही होगा तो लोग तुम्हें खुद सब्सक्राइब करेंगे, तुम्हें बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर तुम्हारा थंबनेल अच्छा है और अगर कंटेंट एक्चुअल में डिजर्विंग है तो यू आर ऑलरेडी अ यूट्यूबर। और अगर तुम्हें इसके बाद भी व्यूज नहीं आ रहे हैं तो अपने यूट्यूब स्टूडियो पे जाके एनालिटिक्स देखो एंड चेक करो कि तुम्हारी प्रॉब्लम एक्चुअल में है कहाँ पे, देन ट्राई टू फाइंड द सॉल्यूशन। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि हम लोगों ने कैसे इतनी जल्दी ग्रो कर लिया, तो इसका सिंपल सा रीजन है एक्सपीरियंस। मैं पिछले कितने सालों से यूट्यूब पे हूँ और मैंने काफी चैनल्स पे भी वर्क किया है जिससे मेरी नॉलेज काफी इंप्रूव हुई है, तब जाके कहीं आज की डेट पे मेरे चैनल पे 5000 अराउंड सब्सक्राइबर्स हो पाए। तो देखो, यूट्यूब तुम्हारे वीडियोस के इंप्रेशंस तो भेजेगा, नो डाउट। और अगर तुम्हारा चैनल न्यू है तो वहाँ पे थोड़े इंप्रेशंस कम हो सकते हैं, बट अगर उसी में तुम्हारा CTR अच्छा रहा और लोगों ने भी तुम्हारी वीडियोस को पसंद किया तो वहीं से स्टार्ट होगा तुम्हारे चैनल की एक्चुअल ग्रोथ। बट उसमें भी एक टर्म का मेन रोल होता है, यस, SEO का। तो तुम्हें अगर अपनी फर्स्ट वीडियो को राइट ऑडियंस तक पहुंचाना है देन यू हैव टू फॉलो SEO। एंड जैसा कि मैंने पहले ही बोला, कंटेंट इज द किंग। तुम जितना जल्दी इस बात को समझ जाओगे तुम उतने ही जल्दी तुम्हारे चैनल को ग्रो कर पाओगे, क्योंकि अगर ऑडियंस कुछ पसंद करती है तो वो है तुम्हारा कंटेंट। एंड देयर इज नो वे कि तुम रातों रात वायरल हो जाओ अनलेस तुमने किसी वायरल टॉपिक पे वीडियो बनाई हो। तो रीग्रो का इस बात से तो मैं कम्प्लीटली एग्री करता हूँ। तो कैसे हो तुम सब? तुम मुझे क्लोज टू AI नाम से जानते होंगे, जहाँ कुछ 6000 प्लस सब्सक्राइबर है। देखो, YouTube जैसा दिखता है वैसा है नहीं। YouTube तुम्हारा वीडियोस को तभी वोट करेगा जब YouTube को तुमसे वो मिलेगा जो YouTube को तुमसे चाहिए, एंड वो है ऑडियंस रिटेंशन, एंगेजमेंट और अच्छा खासा वॉच टाइम। तुम YouTube को ये प्रोवाइड करो फिर वीडियो चाहे जैसे भी हो वो तुम्हें प्रमोट करेगा, और इस एंगेजमेंट के लिए हमें काफी मेहनत करना पड़ता है। YouTube पे तुम्हें 4 मिनट की वीडियो दिखती है उसे बनाने में काफी टाइम लगता है। YouTube से पैसा छापना जितना इजी लगता है उतना इजी है नहीं। कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्टिंग, वॉइस ओवर और वीडियो एडिटिंग में काफी टाइम लग जाता है, इससे हमारा वीडियोस कई बार एक एक महीने तक डिले हो जाता है। और अगर एक डार्क सेक्टर के बारे में बात करूँ तो शॉर्ट्स के आने के बाद तो लॉन्ग फॉर्म वीडियो का इम्प्रेशन काफी डाउन हो चुका है, और अगर हम शॉर्ट बनाते तो उसपे अर्निंग ना के बराबर होता है। YouTube को तुमसे कोई मतलब नहीं है, चाहे तुम जितने भी बड़ा क्रिएटर क्यों ना हो, YouTube को जहाँ से एंगेजमेंट मिलेगा YouTube उसी वीडियो को प्रमोट करेगा। अपना काम बनता तो बाहर में जाए। एक और चीज जो YouTube पे अभी काफी ट्रेंड में है कि AI के हेल्प से वीडियो बनाकर अपने चैनल को ग्रो और मोनेटाइज कर सकते हो, तो मैं बता दूं कि ये पूरा सच नहीं। ये लोग इस प्रोसेस को जितना इजी बनाते हैं ये प्रोसेस उतना भी इजी नहीं होता है, बल्कि उनका शॉर्ट ऐसे करने से मोनेटाइज हो जाए इसके लिए वो हर एक शॉर्ट पर घंटों की एडिटिंग करते हैं। एंड जब तुम सेम चीजों को ट्राई करते हो तो तुम्हारा चैनल अगर एक बार के लिए भी ग्रो हो जाता है और तुमने मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया को पूरा कर भी लिए तो तुम्हारा चैनल कभी मोनेटाइज नहीं होता। देखो, एज ए क्रिएटर मैं ये बताना चाहता हूँ कि तुम जितना हो सके अपना कंटेंट को इम्प्रूव करो। और एक बात याद रखना, हम तुम्हारी हेल्प तो करते हैं मगर सिर्फ ऑडियंस तक पहुंचने में, और जितना हो सके उतना हमारे एक्सपीरियंस को तुम्हारे साथ शेयर करने का ट्राई करते हैं। अब ये कम्प्लीटली तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम हमारे बताई गई बातों को किस तरीके से इंप्लीमेंट करते हो, चाहे छोटा से छोटा क्रिएटर हो या फिर बड़ा से बड़ा क्रिएटर। व्यूज के लिए हम एक सीक्रेट वेपन का यूज करते हैं जो कि अब सीक्रेट तो नहीं है, एंड दैट इज क्लिकबेट। अगर क्लिकबेट को सही से यूज किया जाए तो व्यूज डबल से ट्रिपल भी हो सकते हैं, लेकिन अगर तुम क्लिकबेट को सही से यूज नहीं कर पाए तो तुम्हारा चैनल फ्रीज तक हो सकता है। क्लिकबेट करने से पहले तुम्हें एक बात को जरूर सोचना, हाउ मच क्लिकबेट इज टू मच क्लिकबेट। By the way, अगर तुम्हें जानना है कि मैं अपने वीडियोस को किस तरीके से एडिट करता हूँ तो तुम सिंपली इस वीडियो पर क्लिक करो।